जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ख्याल खरीत से होंगे। जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं म्यूट दी बुलेट ब्लेंडर की, जो कि 12 पीसेस पे मुश्तमिल होता है। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहे। जी तो ये आ गया इसका जग, ये इसके जग का जी कवर, कप भी बन जाते हैं। ये आ गया जी इसका ग्रैंड करने वाला ग्राइंडर का पीस। ये आ गई जी हमारी न्यू की बुलेट। सब लोगों ने इससे जो पहले वाला है जी न्यू की बुलेट, उसकी तमाम तस्वीरें वगैरह लगाई हुई हैं दराज पे, ओवरलैक्स पे, ये वो। तो वो उसके बाद कहते हैं कि हम भेजते ये है, कस्टमर कहता है जी कि आपने हमें चीज दो नंबर भेज दी है। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसा नहीं होता, दो नंबर चीज कोई अपने घर में बना नहीं सकता। ठीक है जी, ये इसका मैनुअल आ गया जी, न्यूट्री ब्लड ब्लेंडर। सबसे पहले तो ये आ गया आपका ग्राइंड करने के लिए मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं जो। उसके बाद ये भी तकरीबन उसी पर्पस के लिए यूज होता है ग्राइंड वगैरह, ये दो है इसके नीचे, ये वैसे आपका जूस के लिए भी काम आता है। ये आपका जूस का कप है। एक ये है जी, इस तरह इसे इसके ऊपर लगा देना और इसे इसके ऊपर प्लग कर देना। ठीक है, ये इस तरह ये लग गया। उसके बाद ये भी इसके ऊपर लग ही जाता है, ये इसका कप है, ये आप इसे इसके ऊपर लगा के पी भी सकते हैं। उसके बाद इसे उतार के तो इसको भी इसके साथ चला सकते हैं। देखे ना, इसे यहां से इधर से उतार लिया और इसके ऊपर लगा लिया। इसके अंदर आप कोई भी जूस वगैरह डालें तो इसे इस तरह रखे और इसके ऊपर ऐसे बंद कर दें इसे, तो ये इसके ऊपर लगा के तो आप इसे इजीली पी भी सकते हैं बाद में। इस तरह ये चल जाता है, इसकी एक ही स्पीड होती है जो कि प्लग एंड प्ले है। ठीक हो गया जी, ये प्लग एंड प्ले है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई बड़ा मुश्किल हो। और ये यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर तरीन ब्रांड न्यूट भी बुलेट ब्लेंडर है, जो कि आम घरों के अंदर यूज होता है तकरीबन यूएसए में, पूरी दुनिया में इसी तरह। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या बात है, हम लोग क्यों नहीं इसे यूज करते ज्यादा। जी तो इसके 12 पीसेज हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर और इसके अलावा भी बताने वाली चीज नहीं है। ये इसकी मोटर जो है वो 600 वाट की होती है, 600 वाट बहुत होता है ऐसा जूस वगैरह, ये जितने कप्स बने हुए हैं इनके लिए। इसे आप यूजेबल कह सकते हैं, अगर कहते हैं तो आपको इसे चला के दिखाते हैं। अच्छा चलें हम इसे चलाते हैं जी, चलो उस साइड पे जाके। फ्रेंड्स जैसे आपको पता हमारे वहां पे वायर नहीं, तो हम इसीलिए फिर इधर आए हैं ताकि हम आपको इसे चला के तफसीलन दिखा सकें। ये इसको आपने पीछे से प्लगिंग कर दिया, तो ये इसके ऊपर लगा के आपने ये, और ये इसकी एक स्पीड है, सेम है इस चीज, ये भी है, इसे भी ऐसे चलेगा। अब हमारे पास ये इसका एक और जग है, जो हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे काम करना है। इसे खोल के इधर से, इसके अंदर हमने पानी भी डाला होगा ऑलरेडी, जी। तो ये फ्रेंड्स आपको ये भी चला देख रहे हैं इसे काम करना। हमारे पास नीचे जगह कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए स्टिल नहीं होता वो अपनी एक जगह पे। उसके बाद इसे सेम ऐसी चीज से ऐसे खोलना है और ये आपका खुल जाएगा। ठीक हो गया जी, उसी तरह इसके ऊपर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका कप है। अगर आप इसे सेम ऐसी चीज पीना चाहते हैं, इसे कप लगा के, तो आप इसे पी भी सकते हैं। ठीक हो गया जी, चलिए जगह जी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये इसके पीसेस हैं, 12 पीसेस मुकम्मल होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये 3 थे 4 थे, लेकिन ये कंपनी हमें कहती है कि जी
एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये भी है, ये इसका ऊपर लगने वाला, ये तो मैंने आपको बताया ही। ये अगर आप इसे लेके कहीं पे जाना चाहते हैं, अपना स्मूथी तैयार करके कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसे इस तरह लेके भी जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो कंपनी कहती है कि जी ये जो इसका ढक्कन है इसे भी इसके अंदर डालना है, ठीक है, पीसेस की गिनती के अंदर। तो ये बारह पीसेस इसी तरह बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी को इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में कह सकता है, तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे, जो भी वो मसला मसाइल होगा उसका हल करेंगे। और अगर किसी ने परचेज करनी है तो नीचे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, अपना दराज का और अपना नंबर भी दे दूंगा, ताकि आप प्री ऑर्डर अगर भी करना चाहें तो जरूर करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।